सो हेलो गाइस, दिस इज़ आर चैनल GPS गेमर। तो आज मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ, सैमसंग A50 का स्पेस रनिंग आउट का जब सोल्यूशन। आपकी स्टोरेज फुल हो जाती है सैमसंग के फ़ोन में, तो आपको शटर डाउन करने पे एक मैसेज टाइप का मिलता है, स्पेस रनिंग आउट। तो सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो कर लेते हैं क्लिक। ये हमने किया क्लिक। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, आपको सारा बायोडाटा मिलेगा, कितनी स्टोरेज बची हुई है, कितना है। तो 64 GB मेरी फुल हो चुकी है, और आप देख सकते हैं 99% यूज्ड हो चुका है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है जिससे आपकी स्टोरेज जो है काफ़ी हद तक खाली हो जाए। तो आपको सिंपली ऊपर 3 डॉट दिख रहे होंगे, बस आपको उस 3 डॉट पे क्लिक करना है। और ये कर लेते हैं हम लोग क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रिसाइकल बाइन और सेटिंग्स। तो आपको सिंपली रिसाइकल बाइन पे क्लिक करना है। तो ये जो इंटरफेस है, इसका ही सारा गेम है। यहाँ पर ही हमारी जो फाइल है वो डबल होती है, या फिर वायरस जो है इसी में आता है सारा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी फाइलें हैं। ये आप एंड्रॉयड में भी डिलीट कर सकते हैं फाइल में जाकर, लेकिन इसमें जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपको सिंपली सभी को ऑल टिक कर लेना है। ऑल क्लिक करने के बाद आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई फ्री फायर ऐप उसको डिलीट नहीं करना है। तो वो कैसे करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उधर निशान दिया होगा, मैं ऊपर की साइड हूँ। तो आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करके जाना है, और स्क्रॉल करने के बाद ही आपको ये फ्री फायर दिख रहा होगा। फ्री फायर ही नहीं, काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं जैसे कि शेयर टाइम कॉल रिकॉर्डिंग अपनी है। तो आपको बस इन चीज़ों को ऑन टिक करके और बाकी सबको टिक करना है। और अगर आप लोग फ्री फायर खेलते हो तो बस आपको फ्री फायर के जो फाइल है उसको अन टिक करना, और फ्री फायर को ऐप को अन टिक करना है, और बाकी सबको टिक करना है अगर आपको वायरस डिलीट करना है। तो सिंपली से जैसे देखिए सभी टिक हो चुके हैं। तो अभी इसके बाद आपको बस डिलीट के ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है, नीचे डिलीट का ऑप्शन है तो डिलीट हो जा। क्लिक करने के बाद आपको डिलीट और फिर से डिलीट, और फिर ये हो रहा है प्रोसेसिंग, ये भी प्रोसेसिंग हो रहा है, सारा वायरस डिलीट हो रहा है आपका। तो ये यहाँ पर सारा क्लियर हो चुका है। तो आपको आना है बैक अपने होम स्क्रीन में, और फिर जाना है आपको अपनी सेटिंग्स में। सेटिंग में स्टोरेज सर्च कर कर स्टोरेज को ओपन करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 20 GB खाली हो चुका है, 64 था वैसे, 24 GB खाली हो चुका है। तो ये थी ट्रिक, आपको कैसी लगी आप बताते हैं ना। और हाँ, इस ट्रिक से आपका डाटा को कोई नुकसान नहीं होगा, जैसे आपकी फ़ोटोज़ डिलीट हो जाती हैं ऐसा कोई बात नहीं होगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब एज़ यू विश। सो टेक केयर, बाय बाय।